वेलकम टू फूड विला कोलकाता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फूड विला कोलकाता। आज हम लोग नारियल का एक न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने कोई चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आइए चलते हैं नारियल की एक न्यू रेसिपी बनाने के। नारियल की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है और उसमें हम एक कप के लगभग दूध डालेंगे और इसे हम धीमी आँच पर थोड़ा सा पका लेंगे। दूध में बस हल्का सा उबाल आया है। अब इस टाइम में हम ये चीनी डालेंगे। चीनी हम अब आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। हम इसमें छोटे कप के डेढ़ कप चीनी डाल रहे हैं। अब इस चीनी को दूध में हम लोग मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए तब तक पकाएंगे। दूध में देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और इसे मिलाने के बाद मैंने एक नारियल का चूड़ा बना लिया है। इसे मैंने कूट लिया है, मिक्सर में मिक्स कर लिया है। आप इस डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कच्चे नारियल को पीस लिया है मिक्सर में। अब ये इसे इसमें हम सारे डाल देंगे। इसमें बहुत अच्छे से इसको हम चलाएंगे और इसे धीमी आंच में चलाएंगे। धीमी आंच में हम इसे पकाते जाएंगे, इसमें दूध में और चीनी में। ये देखिए ये अच्छे से एकदम बंध चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने कोई चाशनी का यूज़ नहीं किया है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है नारियल की, आप इसे बनाइए। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। नारियल का मिक्सचर को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा हाथों में लेके इस तरीके से आप लड्डू का भी शेप दे सकते हैं, पेड़े का भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम पेड़ा जैसा शेप दे देंगे और इस तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। देखिए नारियल का पेड़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप अपने घर में हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए और इसमें कोई झंझट भी नहीं है, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है, बिल्कुल हलवाई जैसी ये नारियल के पेड़े। और ये बहुत ही ये देखिए अच्छी है, हर तरफ से आप देख सकते हैं। आप इसे खाइए, सामने फेस्टिवल आ रहा है, आप इसे बनाइए और दीजिए, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और साथ में हमारे फूड विला कोलकाता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।